कौन आया? मुझे लगता है कि कैफ की मम्मी आई होगी, क्योंकि मुझे मतलब सैफ ने मैसेज किया था कि मम्मी जाने वाली है। क्यों? कभी हो सकता है। अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए, छोटी छोटी खुशी से ही संसार बनता है। सही बात है। ये मेरा मेरा खुद का बनाया हुआ एक शायरी है। मेरा खुद का बनाया हुआ एक शायरी है। मैं बहुत महफिल में गई हूँ, लेकिन महफिल का मजा हर जगह नहीं आता है। पता है क्यों? इसलिए मैंने एक शायरी बनाई थी कि वफा कम है नजर आई बहुत है। इरशाद, वफा कम है नजर आई बहुत है, बड़े घर में भी तन्हाई बहुत है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी शायरी लगी। क्योंकि कहीं कहीं पे बड़ा घर होने के बाद इंसान अकेलापन महसूस करता है। सही बात है। ये मैंने खुद के दिल का बनाया हुआ है, क्योंकि मैं शायर हुआ करती थी। ये देखिए, हमारी भाभी ने हम लोग को कितना अच्छा सरप्राइज दिया है। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही ना कि टेन के का देखो इतना अच्छा। देखिए इन्होंने केक को काट चुके हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब उतना बोलने नहीं आता है जितना बोलने आता है, उतना मैं बोल रही हूँ। ये भाभी का नाम 10,000 सब्सक्राइबर हुआ तो हम लोग सोचे कि चलते हैं सरप्राइज उनको देते हैं। तो अभी तो 12,000 माशाल्लाह हो चुका है, और हम चाहते हैं कि हम दोबारा जब केक लेके आए तो 1,00,000 हो जाए। इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करो और सब्सक्राइब वीडियो देखो तो सब्सक्राइब भी किया करो आप लोग। देखिए आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। ये छोटी छोटी खुशी बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम लोग भाई तो छोटे लोग हैं, छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ ही एंजॉय करना चाहिए। जो काट के लेगा बड़ा 10,000। आप इनकी खुशी देख रहे हैं? आपके इन्होंने कितने खुश हैं। ये होता है मोहब्बत। रिश्ता कभी भी पुराना जोड़ी नहीं होता है। दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। अपनी मैडम को भी हमारी तरफ से क्या बोल रहे थे हमें? आप क्या को खिलाओ? आपका भी होगा ना 1,00,000 रुपए की कटेगी नहीं? 1,00,000 नहीं, 280। हाँ 280 उनके कटेगा ना, भाग लग गया। आज क्या बात है मम्मी? आज ये बात है कि आज पापा के सब्सक्राइबर 12,000 हो गया है। 10,000 की खुशी में निशा भाभी ने केक लेकर के आई थी। सोचो दोस्तों करके इतना उनकी खुशी में शामिल हो रही, तो मैंने भी सोचा अच्छा अच्छा खाना बना के पापा को सरप्राइज देती हूँ। देखो मैंने इनका पसंद का ग्रेवी चिकन बनाई हूँ, और ये काकड़ी जो उनको बहुत पसंद है, और ये देखो। वाओ माशाल्लाह। आज जा रही मैं खाने करने के लिए, अभी थोड़ी देर में जा रही आम का जूस बनाने के लिए। हमारा सारा काम हो चुका है। अभी कल स्कैफ की मम्मी आई थी इनको सरप्राइज देने के लिए। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं कल ही उनके लिए खाना बना के रखती। इनका से मालूम नहीं था क्योंकि उनको उन्होंने सरप्राइज दिए थे, वो उससे पहले 5 मिनट पहले मुझे मालूम पड़ा था कि भाभी आने वाली है। तो अच्छा लगा, खुशी हुई कि चलो देखो छोटी छोटी खुशियों को आगे बढ़ाए हम लोगों ने। खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि हमारी खुशियों में वो शामिल हुए, और ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। रिश्ता बहुत करीबी जरूरी नहीं होता है, रिश्ता दिल से करीब जरूरी होता है। वो दिन से करीब थी, बहुत अच्छे से की। कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त लगा, और सरप्राइज तो सरप्राइज ही होता है। सरप्राइज की बहुत खुशी होती है जो उन्होंने दी है कि नहीं? यस, क्योंकि वो आपकी खुशी में खुश है इसके सरप्राइज देते हैं। अगर हम किसी की खुशी में खुश होते हैं तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, है कि नहीं? चले फिर इसी जगह पे हम फिर चलते हैं, ब्लॉग को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस लाइक करें और अच्छे से कमेंट करें, और कुछ गलती भी माफी चाहते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड।